टाउन हॉल बांका में चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर डीएम ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। बांका के चंद्रशेखर सिंह नगर भवन में चंद्रशेखर आजाद की 170वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बांका के डीएम अंशुल कुमार ने उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। डीएम अंशुल कुमार ने संबोधित करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजककर्ता जवाहर झा ने बांका के सभी युवाओं को जुड़ने के लिए प्रेरित किया और कहा, समस्याओं को गिनाने से नहीं होगा, सभी युवा पीढ़ी को सोचने की जरूरत है कि समस्याओं को कैसे खत्म किया जाए। जब चंद्रशेखर आजाद बाल्यावस्था में ही अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे और कई अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते इस मातृभूमि पर अपने आप को न्योछावर कर दिया। यही सब बातों को यादगार बनाने के लिए आज चंद्रशेखर आजाद की 170वीं जयंती मनाई गई, जिससे युवा पीढ़ियां जुड़ सके। मौके पर नगर परिषद के सभापति अनिल सिंह, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, बांका के जिला परिषद सदस्य मनोज बाबा, डॉक्टर विश्वजीत कुमार सिंह, महेश झा, भारी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं मशहूर सिंगर बिक्की छाबड़ा के द्वारा देशभक्ति एवं भक्ति गीत गाया गया, जिसे चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कई गीत गाकर समा बांध दिया। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम तो आप पढ़ सकते हैं, उसको आपका फोटो भी खींच सकते हैं। वो कार्यक्रम तो अब जाहिर हो रहा है बांका में, बांका के इर्द गिर्द और जगह पे आप देख सकते हैं। अब कारण आप पूछे, कारण क्या था, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है समाज को जोड़ना, संयुक्त समाज की स्थापना करना। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना बलिदान दे दिया था, जान दे दिया था। और उनकी उम्र कितनी थी? 14 साल 15 साल स्टार्ट किया था उन्होंने। हम शायद आज के डेट में 14-15 साल में अपने बच्चे को दूध लाने के लिए भी नहीं भेजते हैं, क्योंकि हमें इतनी डर, इतने मन में डर है। जबकि हम कहते हैं कि हमारा राष्ट्र तो विकास कर रहा है, डेवलपमेंट है, डेवलप कर रहा है, डेवलप हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है। हमें किसी इतना भय क्या है? हम बच्चे, हम जो युवा हैं, उनको भी तो हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि उन्होंने अगर जान दे दिया हमें थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस करके। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं भारोत्तोलन संघ के संयुक्त तत्वाधान में खेल प्रतियोगिता आयोजित। बांका जिले के बौंसी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत श्याम बाजार स्थित माउंट फोर्ट स्कूल में रविवार 23 जुलाई को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं बिहार भारोत्तोलन संघ के संयुक्त तत्वाधान में बालक एवं बालिका द्वारा भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि बांका जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय एवं उपाधीक्षक अभिषेक कुमार सिंह आदि गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम के आगाज में विद्यालय के प्रधानाचार्य डीएस सिसोदिया द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए एवं भारोत्तोलन खेल के प्रति प्रेरित किया और बताया कि खेल प्रतियोगिता में भारत को ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ है। इस मौके पर खेल प्रतियोगिता के संचालक खेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय, उपाधीक्षक अभिषेक कुमार सिंह, तकनीकी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, सहायक राजेंद्र मिश्रा, मनीष कुमार, महिला तकनीकी सहायक सरिता कुमारी, जिला भारोत्तोलन संघ के संरक्षक डॉक्टर राधेश्याम, अध्यक्ष श्री देवाशीष कुमार, कोषाध्यक्ष श्री जनार्दन प्रसाद तथा उपाध्यक्ष अरुण कुमार तांती, संयुक्त सचिव फिरोज अंसारी एवं माउंट फोर्ड स्कूल के प्रधानाचार्य डीएस सिसोदिया आदि इस कार्यक्रम में शिरकत कर बच्चों को खेल प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों की भविष्य सुधारने का सुनहरा अवसर है। इस प्रतियोगिता में जेल अधीक्षक ने 9 वर्ष से 13 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं प्रतियोगिता में भाग लेकर 2 घंटे सॉन्ग प्रशिक्षण किया गया। बताया कि ग्रामीण एवं शहरी आदिवासी बहुल क्षेत्र के बच्चों को इस कार्यक्रम के तहत प्रेरित करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेकर जिला एवं राज्य एवं देश का नाम रोशन कर सके। इस प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में कुल 340 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 272 बालक वर्ग के 68 बालिकाओं ने भाग लेकर अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रतिभावान 82 बालक एवं 13 बालिका चयन किया गया। और
पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, वसूला 6000 तक का जुर्माना। SP बाका के निर्देश पर रविवार को बौसी थाना क्षेत्र सुखनिया पुल के समीप यातायात पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस के अवर निरीक्षक लाल बिहारी यादव ने बताया कि बांका SP के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के कागजात के अलावे ड्राइवर के लाइसेंस, प्रदूषण संबंधित कागजात, ड्राइवर के सीट बेल्ट और दो पहिया वाहनों के चालकों की हेलमेट की जांच की जाती है। अवर निरीक्षक लाल बिहारी यादव ने बताया कि वाहन जांच अभियान के दौरान कुल 6000 का जुर्माना वसूला गया।